होटल ओमकरण रेसिडेंसी हम आ चुके हैं और यही हम स्टे करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम लोग ओमकरण रेसिडेंसी पर आ चुके हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स अब थोड़ी सी देर हम लोग रेस्ट करेंगे। लगभग 6 बजे हम लोग स्टेशन पर उतरे और गाड़ी आने में मुश्किल से 5 मिनट का वक्त लगा। 11 रूम है लेकिन कुछ ही घंटे का काम है तो हम लोगों ने डबल बेड वाला ही लिया है। कल के लिए ट्रिपल बेड रूम बुक किया है। रूम सभी अच्छे हैं फ्रेंड्स, सर्विस भी बहुत अच्छी है। आप कभी भी आएँ तो होटल ओमकारा रेसिडेंसी में ही रुकें। अब कुछ देर के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स, मैं नहा चुकी हूँ, नहाकर रेडी हो चुकी हूँ। हाँ, तो उसके पापा तो मैं नहा के रेडी हूँ, बस तैयार होना है। इस वक्त 8 बज रहे हैं और 9:30 हम लोग डिनर लेंगे। उसके बाद गाड़ी हमें बाणगंगा ड्रॉप करेगी। 10:30 तक हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे और 10:30 से हम लोग चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग भी तैयार रहिएगा, यात्रा करना है मीना के साथ। तो अभी कुछ देर बाद मैं आपको रेस्टोरेंट में मिलूँगी डिनर के लिए। कीप वॉचिंग फ्रेंड्स। जैसा आप चाहें ऑर्डर भी कर सकते हैं और थाली सिस्टम भी है सभी तरह का। किचन आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग डिनर ले लेते हैं। ये होटल का मेन रिसेप्शन हॉल है। देख सकते हैं आप इस वक्त होटल ओमकार रेसिडेंसी जस्ट माता रानी के पहाड़ के सामने ही है और बहुत ही खूबसूरत व्यू मैं इस वक्त देख रही हूँ। लाइटिंग दिख रहा है। बस माता रानी की चढ़ाई शुरुआत करने वाले हैं हम लोग, बस पहुँच रहे हैं। खाना हम लोगों का हो गया है। हम लोग रेडी हैं फटाफट माता रानी की। हम लोग यात्रा पर्ची किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण पहले से नहीं बनवा पाए दोस्तों, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी यात्रा पर्ची आप पहले से ही बनवा लें। होटल वाले भी बना देते हैं, अदरवाइज आप ऑनलाइन पहले से ही यात्रा पर्ची बनवाएं ताकि डायरेक्ट आप बाणगंगा से चढ़ाई शुरू कर सके। मिलती हूँ कुछ देर के बाद आपसे बाणगंगा पे। कीप वॉचिंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स गाड़ी आ चुकी है और हम लोग पहुँच रहे हैं बाणगंगा के लिए, निकल रहे हैं। कटरा मार्केट को दोस्तों अगले वीडियो में मैं कटरा मार्केट और कटरा दर्शन भी करवाने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलें। दस बजे पहले हम लोगों ने यात्रा पर्ची बनवाई फटाफट। 10 बजे पहले यदि आप पर्ची बनवा लेते हैं तो आपकी चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, नहीं तो 12 बजे बाद फिर आपको परमिशन मिलती है। बस हम लोग बाणगंगा चेक पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं और आप देख सकते हैं माता रानी का कितना खूबसूरत त्रिकुट पर्वत जो है रात में दिख रहा है। बस जोश, एक जुनून कि बस कब माता रानी की चढ़ाई करें और माता वैष्णो देवी के दर्शन करें। से लेके अर्ध कुमारी तक बहुत सारी शॉप्स अवेलेबल है जहाँ माता रानी का श्रृंगार का सामान पूरा मिलता है। लकड़ी, चुनर सभी मिलता है और हम भी लेने वाले हैं। तो बाणगंगा आ चुके हैं और यहाँ से अभी हम लोग माता रानी के चुनर बांधेंगे, सिर पर लकड़ी लेंगे और चढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो वैष्णो देवी की रात में चढ़ाई है।
चुके हैं बाणगंगा। यहाँ पर चेक पोस्ट है, पर्ची चेक की जाएगी आपकी, उसके बाद ही आपको अनुमति मिलती है आगे जाने की। चढ़ाई करते हैं और सभी को देखकर हमारे अंदर भी जोश आता है कि नहीं, ज्यादा ऊंचाई नहीं है, हम चढ़ जाएंगे। और वाकई में दोस्तों ऐसा ही फील होता है कि इतना खूबसूरत रास्ता और इतने भक्तों का जय माता दी का जो शोर होता है वो बहुत ही हिम्मत देता है। और वाकई में हम लोग बूढ़े से बूढ़ा इंसान भी जो है चढ़ जाता है। जय माता दी, जय माता दी। हम लोग माता रानी की पट्टी अपने सिर पर बांध रहे हैं, बंधवा रहे हैं भैया से। संतोष जी को बन चुकी है, सिद्धांत बांध रहे हैं। अब इधर देखो सिद्धांत। जय माता दी। लकड़ी लकड़ी सिद्धांत, लकड़ी बेटी संतोष जी, लकड़ी। यही वो स्थान जहाँ माता ने अपने केश भी धोए, इसीलिए इसे केश गंगा भी कहते हैं। थोड़ा थके हैं, बैठे हैं। कुछ देर बाद चरण पादुक का स्थान आने वाला है। जय माता दी करते हुए चढ़ाई कर रहे हैं और आप देख सकते हैं रात में जो है ज़्यादा यात्री चढ़ाई करना पसंद करते हैं। जय माता दी, जय माता दी का जयकारा लगाते हुए भक्त जो हैं चढ़ाई करते हैं और माता रानी सबके रक्षा करती। तो दोस्तों अब लोग हम आ चुके हैं चरण पादुका का स्थान, दर्शन करेंगे हम लोग चरण पादुका के। 3 किलोमीटर के बाद चरण पादुका स्थान आता है। यही वो स्थान है जहां माता ने रुक कर देखा था कि भैरवनाथ उनका पीछा करते करते कहां तक पहुंचा है और माता रानी के चरण यहीं छप चुके थे। आप देख सकते हैं मैं पूरा आपको दर्शन करवा रही हूं माता रानी का मूर्ति और चरण पादुका इस वक्त आप देख रहे हैं। तो आप भी मेरे साथ माता रानी की चरण पादुका के दर्शन कीजिए। माता रानी की चढ़ाई करते वक्त पूरे रास्ते में जो है कहीं ढोल बजते हैं तो कहीं लोग नाचते हुए चढ़ते हैं, जय माता दी, जय माता दी का जयकारा लगाते हुए। इतना अच्छा लगता है और सबको देखकर हमारे अंदर भी हिम्मत आती है। पाँच सौ 26 सीढ़ियाँ हैं फ्रेंड्स,
पति देव और बच्चा माने नहीं तो हम लोग सीढ़ी पर चढ़ तो लिए हैं, पर आप लोग ये गलती मत कीजिएगा, पगडंडी पे ही चढ़िएगा क्योंकि पैरों की दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारा स्टेमिना ख़त्म होता है, इसलिए सीढ़ी से ना आए और पगडंडी भी आराम से चढ़ें, वो ही ज़्यादा बेटर है। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको रात का सीन, देख सकते हैं कितना लाइटिंग, इतना ऊपर हम लोग आ चुके हैं। 2.5 किलोमीटर और बचा है अर्धकुमारी, बहुत ही सुंदर नज़ारा रात का आप देख सकते हैं। जय माता दी। दोस्तों पहुंचते हैं कुछ ही देर में अर्धकुमारी। फ्रेंड्स 12:45 बज रहे हैं और हम लोग 3 किलोमीटर लगभग अर्धकुमारी और बचे हैं और इस वक्त जिस सीढ़ी पर हम लोग बैठे हैं और ये वाली सीढ़ियाँ जो है सीधे अर्धकुमारी हमें पहुंचा सकती है, लेकिन हम लोग पगडंडी वाले रास्ते पे ही जाएंगे क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ने पर जो है पैरों की हालत ख़राब हो जाती है, तो उससे बेटर है कि हम लोग पगडंडी से ही जाएँ। 12:45 बज रहे हैं, 3 किलोमीटर अर्धकुमारी है। अनुमान हम लगा रहे हैं कि 1:30-2 बजे पहले हम लोग अर्धकुमारी तक पहुँच ही जाएंगे। जय माता। रात को कटरा इतना खूबसूरत लगता है, लाइटिंग ऐसी लगती है जैसे मानो जुगनू चमक रहे हैं और ऊपर पहाड़ी से पूरा कटरा दिखता है। चाहे सीढ़ी चढ़े हो चाहे पगडंडी चढ़े हो, हम लोगों ने मुश्किल से 1 या 2 मिनट का स्टॉपेज लिया है। सिद्धांत तो बहुत एनर्जेटिक है, हमारे आगे आगे चल रहे हैं। सभी श्रद्धालु विश्राम करते करते आखिर में माता रानी के भवन तक पहुंच ही जाती है। माता रानी के भवन में एक अजीब सी शक्ति है कि बूढ़े से बूढ़े इंसान भी चढ़ जाता है। देख सकते हैं आप जो भवन ऊपर दिख रहा है इस वक्त अर्धकुमारी का भवन है। हम लोग आ गए हैं, बस एक स्टेप और अर्धकुमारी पहुंचने वाले हैं। जय माता दी। अर्धकुमारी से पहले चेक पोस्ट एक और आएगा। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता। अधिकांश यात्री श्रद्धालु अर्धकुमारी पर पहुंचकर रात्रि विश्राम करते हैं और फिर सुबह भवन के लिए चढ़ाई करते हैं। अर्धकुमारी के जो गर्भजून गुफा है वहाँ यदि आप जाना चाहते हैं तो आपको पहले से ही बुकिंग करानी होती है, 2 या 3 दिन में वहाँ नंबर आता है। दोस्तों फ्रेंड्स 1 बज रहे हैं और हम लोग अर्धकुमारी पहुँच चुके हैं। अब सोच रहे हैं हम करेंगे और उसके बाद 5 किलोमीटर करीबन माता रानी का जो है गर्भ गुफा वहाँ पहुँचेंगे हम लोग। 7:30 के पहले आरती के पहले दर्शन हो सकते हैं बिल्कुल। हम लोगों ने सोचा था 1:30 बजे पहुँचेंगे लेकिन हम लोग 1 बजे ही पहुँच गए हैं। शाम करेंगे और फिर बढ़ेंगे आगे। जय माता दी। हमने सोचा था 10 या 15 मिनट हम यहाँ विश्राम कर लेते हैं, बट इतना रश, पैर देने की भी जगह नहीं, काफी यात्री श्रद्धालु वहाँ सोए हुए थे, तो हम लोग अब नए रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। आगे जाकर कहीं 5 मिनट का रेस्ट जो बना हुआ है होता है तो करते हैं, अदरवाइज जुनून इतना है कि हम
बस यही मन में ख्याल है कि कब माता रानी के भवन पर हम पहुँचे। और इस रास्ते पर घोड़े खच्चर इनका भी परेशानी नहीं। आगे बैठेंगे बेटा, यात्री जो है इस रास्ते पे विश्राम करते हैं आते जाते। और हम लोग यहाँ बैठने तक की जगह नहीं है तो हम लोग थोड़ा आगे निकलेंगे। अब रास्ता जो है सुगम है, ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, बहुत ही अच्छा रास्ता ये बनाया है नया। आप देख सकते हैं यात्री जो है रास्ते में ही सोए हुए हैं बिल्कुल। जय माता दी, जय माता दी। माता रानी का स्तुति मंत्र चलते रहते हैं, कानों में माता रानी की ध्वनि सुनाई देती है और सभी यात्री आते जाते जय माता रानी, जय माता दी का जयकारा लगाते हुए चढ़ते हैं। अर्धकुमारी के बाद जो नया रास्ता बना है वो काफ़ी चौड़ा है, बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, सेफ्टी बहुत अच्छी हो गई है, कोई डर नहीं है। और आप जब भी आए तो नए रास्ते से ही जाएं क्योंकि पुराने रास्ते पर खड़ी चढ़ाई है और काफी सकड़ा है। दो बज रहे हैं और माता रानी का भवन जो है 4 किलोमीटर चल रहे हैं धीरे धीरे माता रानी का जयकारा लगाते हुए। रास्ता बहुत सुगम है और तुम्हारी के बाद रास्ता बहुत अच्छा है, पर थोड़ा धीरे थकान तो होती है बट माता रानी शक्ति देती है और सभी आसानी से चढ़ जाते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ सारी से माता रानी का भवन देख सकते हैं आप। 3 बज रही है, हम लोग माता रानी के भवन से 1.5 किलोमीटर दूरी पर हैं और बस इतना सा रास्ता बचा है। और सामने जो आप देख रहे हैं वो माता रानी का भवन दिख रहा है। बहुत जल्दी माता रानी के भवन में माता रानी के दर्शन करेंगे हम। यहाँ आकर थोड़ी थोड़ी ठंडी हवाएं लग रही है और 1.5 किलोमीटर माता रानी के भवन में 3 बजे हम लोग पहुँच गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है माता रानी का भवन देख के, आधी थकान उतर गई है, हालत बहुत ख़राब है बट दर्शन करना है, अभी जंग जीतना है। तो चलते हैं फ्रेंड्स माता रानी के दर्शन के लिए। पर जो आप लाइटिंग देख रहे हैं ये भैरव घाटी का रास्ता दिख रहा है, लाइटिंग पूरी दिख रही है और नीचे माता रानी का भवन दिख रहा है यहाँ से। फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं माता रानी के भवन में और इससे आगे मोबाइल बैग वगैरह सभी लॉकर में रखना होते हैं, हम लोग बस लॉकर की तरफ जा रहे हैं, सामान सभी रखना होगा। 4 बजे हैं इसको, 5 बजे पहले
दर्शन हो जाएंगे। 5:30 के बाद दर्शन जो है ये आरती तक रोक दिया जाता है, तो हमारी कोशिश है कि हम 5 बजे पहले अंदर पहुँच जाएँ ताकि दर्शन हो जाएँ। तो फटाफट बस लॉकर में सामान रखना है, इससे आगे मैं आपको नहीं करा पाऊँगा। जय माता दी, दर्शन के बाद मिलते हैं। जय माता दी, जय माता दी। हम लोगों के दर्शन हो गए हैं, 5:30 के पहले यदि आप लोग एंट्री कर लेते हैं तो दर्शन हो जाते हैं, नहीं तो फिर आरती के बाद ही दर्शन होते हैं। तो जय माता दी, हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं, अपना सामान वामान सब हम लोगों ने ले लिया है, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, बैठे हैं। यहाँ भैरवनाथ के लिए रोप वे का रास्ता भी है, देखते हैं जो भी सुटेबल हो तो भैरवनाथ चलते हैं और वहाँ के दर्शन करेंगे कुछ समय बाद। जय माता दी, बहुत अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं सुबह का सुंदर नज़ारा, माता रानी का भवन, बहुत ही सारी थकान माता रानी के दर्शन करके जैसे उतर गई, और माता रानी के बहुत अच्छे से दर्शन हुए। बने रहिएगा, कुछ देर बाद भैरवनाथ के दर्शन में आपको करवाऊंगी। जय माता दी। फ्रेंड्स, माता रानी के भवन में यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। हम लोग भी सुबह का टाइम में थके हुए हैं, तो ज़्यादा कुछ तो हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता भाएगा, इडली डोसा और यही चीज़ें मिलती है। हम लोग चाय और नमकीन खारी बिस्किट मंगवाया है मैंने, तो चाय लेंगे। भैरव बाबा घाटी चढ़ते वक्त यहाँ मान्यता है पत्थर से लोग अपना घर बनाते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है, हमने भी बनाया है। और भैरव घाटी जो है बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, तो थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए हम लोग रुके हैं, खड़े हैं। सिद्धांत और उसके पापा बैठे हैं और सभी लोग जो हैं पत्थरों से अपना घर बना रहे हैं, यहाँ ऐसी मान्यता होगी, देख सकते हैं आप। बस आ चुके हैं हम लोग माता रानी के भवन से, 2 किलोमीटर दूरी पर ही है भैरवनाथ, भैरव घाटी। जय भैरवनाथ। बस आ गए हैं दोस्तों, लास्ट स्टेप हम लोग चढ़ने वाले हैं और अब मैं आपको करवाऊंगी भैरवनाथ के दर्शन, बने रहिए आप मेरे साथ। आखिरी पड़ाव पर हम हैं, सभी आए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं भैरवनाथ एक शॉर्टकट अपनाया हमने, बस लास्ट कितनी चढ़नी है, 262 सीढ़ी लास्ट शॉर्टकट हम मारने वाले हैं, क्योंकि चढ़ाई आप देख सकते हैं भैरवनाथ बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। और अब ऊपर जो आप टॉप देख रहे हैं वो भैरवनाथ घाटी आ चुकी है, बस रोपवे का रास्ता भी यहीं से है, आप देख सकते हैं रोपवे से लिफ्ट ऊपर जाते हुए दिख रही है। लिफ्ट से 10 मिनट लगते हैं, पर नंबर लगाने में बहुत वक्त लगता है, इसलिए हम लोगों ने 1 घंटा लगा है हमें माता रानी के भवन से भैरव घाटी चढ़े हैं। बस आ गए हैं, जो ऊपर भवन दिख रहा है आपको ये भैरव घाटी है, भैरवनाथ के दर्शन करेंगे अब हम। सिद्धांत और उसके डैडी खड़े हैं और मैं थोड़ा ज़्यादा थक गई हूँ, इसलिए धीरे धीरे चढ़ रही हूँ। देख सकते हैं दोस्तों आप, इस वक्त हम लोग टॉप पर पहुँच चुके हैं माता रानी का भवन, पहाड़ों के बीच स्थित माता रानी, हम लोग पहुँच चुके हैं भैरव घाटी, बस भैरवनाथ के दर्शन करेंगे। टॉप ऑफ त्रिकुट पर्वत, जय भैरवनाथ। माता रानी की आरती चल रही है, स्क्रीन में आप देख सकते हैं। और जो आप देख रहे हैं इस वक्त
ये सांझी छत है। हेलीकॉप्टर से यदि आप आते हैं तो आपको यहाँ उतरना होता है और 2 से 2.5 किलोमीटर फिर आपको चढ़ाई करनी पड़ती है। ये भैरव मंदिर जाने का मार्ग लाइन में ही हमें लगना होता है। दोस्तों, यहाँ तक मैंने आपको दर्शन करवा दिए हैं। आगे मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगी। फ्रेंड्स, 8:30 बज रही है और हम लोगों के भैरवनाथ के दर्शन भी हो चुके हैं, कंप्लीट है। अब वापस हम नीचे उतरने की तैयारी में हैं और आई होप आपने मेरे साथ यात्रा वैष्णो देवी की और भैरवनाथ की, आपने भी दर्शन यात्रा मीना के साथ में मेरा साथ दिया। तो ये यात्रा यहीं समाप्त होती है और अब हम लोग नीचे जाने की तैयारी में हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपने भी इस यात्रा में लाभ लिया होगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय माता दी।